आज का हमारा सेशन है सेशन नंबर 7, हु मूव माय चीज। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं यस। मैं सारी सर आवाज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप यस। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही सर आवाज यस। ओके फिर करें डायरेक्ट करा एक नंबर लोगों से जब बाकी मैसेज का कर रहा था बाकी ये कर रहा था। हाँ सतबीर सिंह का नाम था कॉल करा। ओके सो आज जो सेशन है अपना, ये सेशन में हमारे साथ में है हमारे प्रवीण जी वर्मा, ये वाशिम से बिलोंग करते हैं। नमस्ते जी। और वाशिम से बिलोंग करते हैं और आपको ये सेशन लेने वाले आज का प्रवीण जी वर्मा। तो आज का सेशन जो हमारा है वो हम क्या करने वाले हैं कि अभी तक जो हुआ उसका रिकैप करेंगे, अभी तक जो हुआ उसका रिकैप करेंगे और धीरे 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 एक 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 स्लाइड से, ताकि हमको अभी तक जो हुआ वो एक बार फिर से याद आएगा और वो क्रिएट करेंगे। तो मैं अभी प्रवीण वर्मा जी के हाथ में सौंप रहा हूँ माइक, आप कंटिन्यू करेंगे। प्रवीण जी वर्मा आप अपना परिचय दे दो और फिर बाद में चालू करो। तो मैं रहूंगा नहीं, मैं लॉग ऑफ हो जाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं प्रवीण वर्मा, काफी लोग मुझे जानते हैं, अपने सभी पार्टिसिपेंट जो है सभी जानते हैं। मैं वाशिम से बिलोंग करता हूं और आज का जो रिकैप का सेशन है वो आज मैं लेने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप सभी ध्यान से मुझे मतलब सुनेंगे। धन्यवाद। अभी अपन हु मूड माय चीज पर आधारित डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की जो किताब है उसका बुक रीडिंग अपन कर रहे हैं, जिसमें दो चूहे स्निफ एंड स्करी और दो आदमी हॉ एंड हेम इनकी कहानी उसमें बताई गई है। वो अपन आज देखने वाले हैं, ठीक है, स्लाइड के माध्यम से अपन देखने वाले हैं सब ये चीजें और रिकैप करेंगे। अपन ने अभी तक क्या देखा है ये सब अपन रिकैप करेंगे। यहां पर जो स्निफ एंड स्करी जो ये दो चूहे हैं और ये एक चीज का जो एक स्टेशन चीज स्टेशन इनको मिलता है। पंकज आप स्लाइड दिखाएंगे पहली। हाँ तो ये किताब है हु मूव्ड माय चीज, ये डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखी हुई किताब है। दो चूहों की कहानी है स्निफ एंड स्करी की, ठीक है। इसमें हेम एंड हॉ ये दो आदमी है और ये चीज ढूंढते हैं, इनको एक चीज मिलता है, एक चीज स्टेशन ढूंढते रहते हैं और चीज स्टेशन मिलता है इनको। जैसे एक चीज स्टेशन यानी भूलभुलैया है, भूलभुलैया मतलब जहां आप चीज ढूंढ रहे हो। यहाँ पर भूलभुलैया का मतलब अपने लाइफ से अपन रिलेट करेंगे कि जहां आप चीज ढूंढ रहे हो, चीज मतलब आप अपने जिंदगी में जो ज्यादा पाना चाहते हैं। कोई किसी के लिए चीज यानी एजुकेशन होगा, किसी के लिए फाइनेंस होगा, किसी के लिए पैसा होगा, किसी के लिए रिलेशनशिप्स होगा, सभी के लिए अपना अलग अलग हो सकता है। तो ये अपन ने देखा था। अब इस पर मैं चाहूंगा कि आप लोग किसी को कुछ समझ में आए तो अपना हैंड रेस कीजिए और पंकज उनको चांस देगा बोलने के लिए। आपको क्या समझ में आया अभी तक, मतलब ये पॉइंट जो मैंने बताया इस पर से आपको क्या समझ में आया, ये थोड़ा सा आप मतलब जो अपन ने रिकैप किया था पहले यानी रिकैप किया है और अपन ने सोचा है मतलब अपन ने पढ़ा है उसमें किसी को कुछ समझ में आए तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। आप कोई पंकज जिनका हैंड रेज है उनको आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस अगर आपको मतलब समझ में आया तो आप मतलब बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि क्या समझ में आया है। रमेश लड्डा जी आपको क्या समझ में आया था? सुनीता जी आप भी बता सकते हैं। अनम्यूट करिए सुनीता। सुनीता जी दूसरी चीज के मूड में नहीं रहता और वो एक ही चीज के ऊपर समाधान नहीं रहता है, तब दूसरा रास्ता नहीं खोजता। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पहले का रास्ता ही बंद हो जाता है, लेकिन बाद में उसको भागदौड़ करना पड़ता है,
देख तो समय के पहले ही अगर हम लोग अपना कुछ रास्ता चुन के रखे, देख के रखे, तो उस समय में हमको तकलीफ आएगी जिस समय में अपना पहला रास्ता बंद होता है। इसलिए हर इंसान ने अपने एक रास्ते के अलावा भी दूसरे रास्ते का चयन करके रखना चाहिए, ऐसा मेरे समझ में आया इसमें। हाँ बराबर। तो ये अपन जैसे रिकैप कर रहे हैं कि अपन ने पहले क्या सीखा है, सब क्या देखा है इसमें, ठीक है ना। आपके पास अगर चीज है तो आप खुश रह सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका चीज कुछ भी हो सकता है, हर किसी का चीज यानी जो अपन चीज बटर खाते हैं ना, वो चीज की बात कर रहे हैं अपन। तो जो आपके पास आपके पास चीज है तो आप खुश रह सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। चीज आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने बताया। सेकंड स्लाइड पंकज, सेकंड स्लाइड दिखाएंगे। और ये दो चूहों की कहानी, ये तो मैंने आपको बता दिया, स्नीप एंड स्करी और हेम एंड हॉ, ये दो आदमी है, ठीक है ना। आगे आगे चलते हैं पंकज, आगे चलते हैं। अभी ये तो मैंने क्रिएट कर दिया था। हाँ, भूल भुलैया मतलब जहां यह चीज आप ढूंढ रहे हो, एक भूल भुलैया है। जैसे आपके लिए मैं जैसे पहले बताया कि भूल भुलैया कुछ भी हो सकता है, जैसे सोसाइटी, फैमिली, कंपनी, होल वर्ल्ड, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है जहां अपन अपना चीज ढूंढ रहे हो। और चीज यानी जहां पर अपन अपने लाइफ से रिलेट करेंगे, चीज यानी जो आप जो चीज आपके आप देख आपके पास जो ज्यादा है या चीज है तो आप खुश रह सकते हैं। चीज मतलब आप अपने जिंदगी में जो ज्यादा पाना चाहते हैं, है ना। ये तो मैं बता दिया था, अब आगे चलते हैं पंकज। ये तो मैंने बता दिया, आगे आगे चलते हैं अभी। हाँ, अब आपको देखना है कि आपके लिए आपके जिंदगी में ये चीज का मतलब क्या है, ये आपको अभी देखना है। तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। सुनीता जी आप बता सकते हैं कुछ, मतलब आपको क्रिएट आप शेयर कीजिए कुछ। सुनीता जी आप बता सकते हैं, तो फिर आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं अभी पंकज। एक मिनट सर, सुनीता मैम बोलना चाहती है, अनम्यूट करिए मैम। अनम्यूट कीजिए उनको, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट करिए खुद को। यस हेलो, आवाज आ रही है? आई एम एबल। हां बोलिए बोलिए। हर एक की जिंदगी में चीज का मतलब अलग अलग होता है, हर एक की मतलब सबकी जिंदगी में होता है चीज, पर आपकी सबकी जिंदगी में अलग अलग होता है। किसी की जिंदगी में हेल्थ, किसी की जिंदगी में पैसा। मेरी जिंदगी में ये है कि मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, और वो उसमें जब तक मेरे को वो मिलेगा नहीं तब तक मेरे को खुशी नहीं मिलेगी। तो जैसे आपके पास चीज आता है तो आपको खुशी मिलती है। और जब तक अपन वो अभी सर ने भी बताया दूसरे अंकल ने कि अपने को मतलब कुछ भी पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दरवाजा जैसे एक बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। अभी जैसे लॉकडाउन में सर ने बताया था, केलकर सर ने, कि उन्होंने प्रैक्टिस ना बंद हो गई थी उनकी, तो उन्होंने ऑनलाइन शुरू करी, तो ऑनलाइन और ज्यादा उनका वो उनको मिला। नहीं तो दूसरे लोग क्या होते, अरे बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, घर में बैठ जाते। वो नहीं करना, दूसरा दरवाजा खुलता है। ये सब तो अपने को ध्यान। सही बात है, बिल्कुल सही। यही बताया गया है कि when one door is closed the other opens, but we are so stuck that we don't want to change easily and don't see the open door। हम क्या करते हैं कि एक दरवाजा बंद होने के बाद भगवान दूसरा दरवाजा खुलता है, पर अपन वो दरवाजा दूसरा देखते नहीं, अपन कंफर्ट जोन से जो है अपन बाहर नहीं निकलते हैं। सही बोले आप, धन्यवाद। आगे चले पंकज, अगली स्लाइड देखते हैं। अब क्या हुआ कि स्नीफ एंड स्करी जो दो चूहे थे, तो चूहों को चीज नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ कि वो चीज स्टेशन का चीज स्टेशन जो था वहां का जो चीज है वो खत्म हो गया, अचानक खत्म हो गया। तो चूहों को तो चीज नहीं मिला, तो उन्होंने दूसरा चीज स्टेशन ढूंढना शुरू कर दिया और उन्होंने ढूंढ लिया। पर हेम एंड हॉ जो थे आदमी जो थे, वही दूसरों को दोष देते रहे कि हु मूव्ड माय चीज, इट्स नॉट फेयर, ये किसने हमारा ले गया, किसने हमारा ये ऐसा कर दिया, हमारा चीज कौन खा के चुरा के ले गया, हम तो भूखे मर रहे हैं, ऐसा वैसा। और उन्होंने ऐसा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया।
वहीं और देते रहे, पर चेंज नहीं किया उन्होंने, उन्होंने चेंज कुछ भी नहीं किया, उन्होंने दूसरे जगह ढूंढना शुरू नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो ऐसे ही बैठे रहे और जो स्निफ एंड स्करी जो थे ये ढूंढने चले गए। तो बोलने का मतलब ये है कि डूइंग सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज इनसैनिटी। आप अगर वही चीज बार बार करेंगे और सोचेंगे कि हमको डिफरेंट अलग रिजल्ट मिलेगा, तो वो कभी नहीं मिलने वाला, वो कभी नहीं मिलेगा आपको, ये बोला गया है ना। तो अभी आगे की स्लाइड देखते हैं पंकज। तो वही क्रिटिसाइज करते रहे कि अन्याय है, वापस लेकर आओ, मेरा हमारा चीज कौन लेके गया, ये उसमें क्रिटिसाइज करते रहे हेम एंड हॉ जो है, जो जो दो आदमी थे, और चूहे जो है वो आगे चले गए। ये हमने देखा था पिछले, रिकैप कर रहे हैं अपन अभी, ये हमने पीछे देखा था। आगे चलिए पंकज। अब वो बिल्कुल मतलब ऐसा क्रिटिसाइज करने लग गए और एकदम डिप्रेशन में आ गए कि किस दूसरे किसी ने कांड किया है, हम क्यों बदले, हमने और बदलना नहीं चाह रहे थे, वो बिल्कुल नहीं बदलना चाह रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि चलो हमारा खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए, ऐसा चलते आ रहा था उनका वो चीज सी स्टेशन पर। जब वो खत्म हो गया तो एकदम वो ऐसे मतलब ये हो गए, एकदम क्रिटिसाइज करने लग गए और ये एकदम डिस्टर्ब हो गए बोलने का मतलब। तो उसमें क्या है कि बोलने का मतलब ये है कि जब अपना प्लान मतलब प्लान बी मस्ट बी रेडी बिकॉज एनी टाइम प्लान ए कैन बी कम टू एन एंड। ये अपने लाइफ से रिलेट कर रहे हैं अपन, इस कहानी को अपन अपने लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, खेड़कर साहब ने, कि ये जो कहानी है ये रीडिंग तो अपन कर रहे हैं पर इसके साथ साथ इसको अपने लाइफ से भी अपन रिलेट कर रहे हैं। जैसे जिस बात से आप डरते हो, उन्होंने एक ये आगे, अच्छा आगे चलते हैं अपन, अभी आगे चलते हैं, एक स्लाइड स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं पंकज, आगे चलिए। ये मैंने आपको बताया कि डूइंग सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज इनसैनिटी, ठीक है ना। इसमें से क्या समझ में आया किसी को अभी तक अपन जो क्रिएट किए उसमें से कुछ समझ में आया तो कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। एनीवन, बोलिए सुनीता जी, बोलिए, म्यूट करें या कौन, हाँ जो भी है, हाँ बोलिए। अभी जो भी रिजल्ट अपने को कई बार लगता है कि अरे मेरे को तो सक्सेस नहीं मिल रही, मेरे को वो कुछ नहीं मिल रहा, तो अपने को अगर कुछ चाहिए, कुछ अलग रिजल्ट चाहिए, तो अपने को अपना एक्शन में भी कुछ प्रोग्रामिंग में भी अलग कुछ करना पड़ेगा। अपन वही चीज करेंगे और सोचेंगे कि नहीं मेरे को कुछ अलग मिले, वो नहीं होता है। उसके लिए अगर कुछ मतलब सक्सेस चाहिए या कुछ भी जिंदगी में कुछ भी अलग चाहिए अपने को, तो अपने को वो अलग करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और कोई नवीनेश, अगर आप है तो आप भी क्रिएट कीजिए कुछ, आप भी शेयर कीजिए। नवीन जी है, पंकज है नवीन जी, तो उनको अनम्यूट कीजिए। यस जी, नवीन जी आपको अनम्यूट किया, अनम्यूट करें नवीन जी। नवीन जी नहीं है तो फिर अखिलेश जी को अनम्यूट कीजिए, अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अकेले जी, अकेले जी आपका ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। नमस्कार जी। हाँ बोलिए। जैसे कि मैं एक पहले एक काम करता था, वो जब मेरा काम बंद हो गया तो दूसरा काम करने के लिए मैं डरता था कि पता नहीं इसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि उसमें डरना ना चाहिए, उसको एक्शन में लेके वो दूसरा काम स्टार्ट कर देना चाहिए था। यही मेरी कमजोरी थी जो मैं नहीं कर पाया था, मैं उस चीज को समझ गया हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ ऐसे बताया गया है कि जिस बात से आप डरते हो उतनी वो बात हकीकत में डरावनी नहीं होती, ये अपने माइंड सेट में बैठा हुआ है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या करेगा कौन, मतलब किसी कोई नहीं सोचता है, अपना माइंड ही सब सोचता है और वैसे ही अपना विचारों से ही अपना जो विचार है वही कृति में आते हैं। इसलिए अपन जो सोचते हैं कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, ये होगा क्या, पहले ही अपन अपने मन में बना लेते हैं, पर वैसा कुछ भी होता नहीं है। सामने वाला ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज अपनी डरावनी नहीं होती जितना अपन सोचते हैं। तो अपने को एक्शन लेना ही पड़ेगा तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा अपने को। तो अपन एक्शन पहले लेने से पहले ही सोच लेते कि अरे ये होगा कि नहीं काम, ये होगा कि नहीं, तो वो नहीं होगा काम। मतलब ऐसा सोच लेते हैं अपन कि नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि अपन जैसा विचार करेंगे वैसा वैसा होगा। तो इसलिए अपने को निगेटिव विचार नहीं करना है,
और फियर ऑफ फेल्योर रहता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, और कई प्रकार के अपने को डर रहते हैं मन में, पर वैसा अपने को नहीं रखना है। और एक चीज और है कि अपन कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद ही अपने को सक्सेस मिलेगा। अपन क्या है कि उसने खाया पिया बस रोज का रूटीन, आप खेत में गए देख लिए चले और बस हो गया, खेत में सुबह हुआ खेत में गए शाम को आ गए काम ले लिया, बस यही आपका रूटीन अगर चलता रहेगा तो आपको अलग रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलने के लिए कुछ अलग करना होगा तो भी आपको अलग रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद। चलिए आगे चलिए पंकज जी। हाँ, ये मैंने आपको बताया कि व्हेन वन डोर क्लोजेस द अदर ओपन्स, बट वी आर सो स्टक टू क्लोज डोर दैट वी डोंट सी द ओपन डोर। जैसे मैंने बताया कि एक एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा दरवाजा खुलता है, पर हम वो पहले दरवाजे से इतना चिपके हुए रहते हैं कि हमको वो खुला हुआ दरवाजा दूसरा दिखता नहीं है। हम उस बंद दरवाजे पर ही अपना सिर पीटते बैठते हैं कि अरे ये कैसा बंद हो गया, कैसा हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया। वही बात यहाँ पर इस किताब में अपने को बताइए हेम एंड हॉ के साथ में यही हो रहा है। वो वहीं पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दो चूहे जो है उन्होंने दूसरा स्टेशन भी ढूंढ लिया और मजे से वहां पर वो चीज खा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं और सब हो रहे हैं। तो हेम एंड हॉ में जो था, फिर दो चार दिन बाद क्या हुआ कि हेम जो था, हेम वो वैसे ही बैठा रहा, वैसे ही कोसते रहा, अरे क्या हुआ। और हॉ ने सोचा कि चलो यार अब दूसरी तरफ ढूंढना पड़ेगा, अपने को जाना पड़ेगा। तो वो उस भूलभुलैया से बाहर निकला और दूसरा चीज स्टेशन ढूंढने के लिए निकल गया। अभी देखते हैं आगे, आगे की स्लाइड दिखाइए पंकज। ये मैंने आपको बताया कि आप कोई चीज से जितना डरते हो हकीकत में वह चीज उतनी डरावनी नहीं। चीज यानी कोई भी, मतलब कंटेंट बोलेंगे अपन, या कोई चीज, चीज नहीं है यहाँ पर, चीज है यहाँ पर, थोड़ा करेक्शन है कि आप कोई चीज से जितना डरते हो हकीकत में वह उतनी डरावनी नहीं होती। कोई भी चीज ले लो आप, आपके मन में फियर जो रहता है वही अपने को डराता ज्यादा है, पर वो चीज उतनी डरावनी नहीं होती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको क्रिएट किया था। हाँ, आगे चलिए पंकज। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं, है ना। इस पर से आपको क्या समझ में आया, कोई एनीवन बता सकता है इस बारे में? जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं, है ना। अगर आपको पता है कि भाई ये डर अगर आपके मन में नहीं और आप बिल्कुल निडरता से कोई भी कार्य करेंगे तो आपको आजादी महसूस होगी और आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलने वाला है, मिलता ही है। जैसे आप पहले ही उस चीज के बारे में तैयार है, जैसे कि स्कीफ एंड अपना जो ये दो चूहे जो थे ये पहले से तैयार थे, तो उन्होंने जैसे ही खत्म हुआ चीज वो फटाक से दूसरे स्टेशन पर चले गए और जो आदमी थे वो वहीं बैठे रहे। जब उनको वो भूख से वो ये होने लग गए तो हॉ जो था उसमें का, हॉ ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और वो भूलभुलैया में आगे आगे चलता गया। एनीवन, कोई और क्रिएट कर सकता, और कोई शेयरिंग कर सकता है तो अनम्यूट कीजिए पंकज। यस सर, किसी को बात करनी है अपने हैंड रेस कर सकते हैं। जी सुनीता मैम, जी सतीश जी बोलिए। सतीश जी, सरिता मैम अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए पंकज। अनम्यूट, यस सर, अनम्यूट। हाँ सर, आवाज आ रही सर? हाँ, अनम्यूट करिए सर। हाँ सर, आवाज आ रही? हेलो 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 जी बोलिए सर। सतीश सर बोलिए बोलिए। सर मेरा फर्टिलाइजर पीएनसी के साइड का बिजनेस है, तो इतने दिन से एक टैली वाला लड़का था, वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा था। अचानक उसको दूसरे एक शॉपकीपर ने बुला लिया। अब मैंने फिक्स कर लिया था ये बहुत दिन मेरे तरफ काम करेगा और मैंने दूसरा द्वार देखा ही नहीं था कि इसके सिवा यही मेरे लिए सब कुछ है, और वो अचानक चला गया। और करीबन एक महीने से मैं परेशान हूं
उसको इतनी विनती की आजा आज, और मेरा प्रयत्न जो कंटिन्यू चल रहा था इधर उधर देखना, तो आज मेरे को आदमी मिल गया। तो आज मैं इस चीज में अपने आप को आजाद महसूस कर रहा कि अगर मैं इधर उधर देखता हूँ, मैं अगर प्रयत्न करता हूँ, अलग द्वार खोलता हूँ, तो मुझे सक्सेस मिलता है। ये मेरे को आज उस चीज से मेरे को मालूम हो गया और मैं उस चीज में आजादी इस इतना महसूस कर रहा हूँ सर कि एक महीने से मैं परेशान था कि ये आदमी अपना एक साल से बहुत बढ़िया काम कर रहा था, इसको सब मालूम है, लेकिन नए आदमी को भी मैं पूरा सिखाऊंगा और मैं वो करूंगा। और मैं उसके बाद ये भी बता रहा कि मैं खुद टैली सीखने के लिए वो तैयार हो गया हूँ, क्योंकि उसने मेरे को इतना मजबूर किया है कि मेरे को अब किसी भी हालत में टैली सीखना है। हाँ, मतलब देखो यहाँ आप क्या है, कंफर्ट जोन से जब बाहर निकले, आप जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपको रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर आप वहीं सोचते रहते थे कि अरे वो चला गया, अरे वो लड़का चला गया, अब मैं कैसा करूँ, क्या करूँ, कैसा करूँ, किसने मेरा चीज चुराया, किसने मेरा लड़का चुरा के लेके चला गया, जो टैली मुझसे टैली इसको इतना अच्छा आता था, इतने अच्छे से मेरा सब वो संभाल रहा था और अचानक वो चला गया, तो आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते। पर आप डिस्टर्ब नहीं हुए, आपने दूसरा लड़का ढूंढा और आपने खुद भी तैयारी कर ली कि मैं भी वो सीख सकता हूँ, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी उसको हैंडल कर सकूँ, उस पोजिशन को, यानी आपका डर निकल गया। तो जैसे ही आपका डर निकला, आपको एकदम आप आजाद महसूस कर रहे हैं, आपने सही बताया। धन्यवाद, धन्यवाद सतीश जी। दत्तराज जी, यस, नमस्ते सर। हाँ बोला सर, बोला। ये जो डर की बात है, वो एक किताब में मैंने पढ़ा, विनोबा जी का गीता प्रवचनी नाम का एक किताब है, उसमें विनोबा जी ने कहा कि जो भारतीय लोग है, लोग थे, वो डरने की वजह से ही गुलामगिरी में गए, उनको मरने का डर था, उसके कारण गुलामगिरी में उनको रहना पड़ा। जब भारतीय लोगों ने मरने का डर छोड़ दिया, तब भारत आजाद हुआ। तो ये वाक्य यही हमें सिखाता है कि जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आजाद महसूस करते हैं। तो आजादी का कारण है नहीं डरना। जब हम नहीं डरे तब हमें आजादी मिली, और जब तक हम डरे तब तक हम गुलामगिरी में रहे। यही यानी ये जो वाक्य है, इसका अर्थ जो मुझे समझा, अगर सही है तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद सर, सही बोला आपने कि जब तक अपने में डर है, जब तक अपने में डर है तो अपन आगे क्लियरली अपने को कुछ भी दिखता नहीं है। पर जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं और आपको सक्सेस का रास्ता क्लियरली दिखने लग जाता है। ये इसे क्लियर हो गया अभी, मतलब अपन अभी जैसे जैसे एक एक क्रिएट होगा, आप लोग शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया आपके लाइफ में, इस वाक्य से आपके लाइफ में क्या समझ में आया, है ना। और कोई, एनी वन? यस सर, मैम ने हाथ उठाया था, मैम बात कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, जैसे हम कंफर्ट जोन से फिर बाहर निकलकर जब काम करते हैं तो वो चैलेंज होता है हमारे लिए, ये चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। और जब हम वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, फिर हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये भी अगर चला गया तो हम और भी आगे कुछ कर पाएंगे, तो ये भी चीज हमारा चला गया तो हम और भी आगे चीज ढूंढ पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल, तो फिर डर हमारा जाने के बाद आजाद महसूस करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अपने को प्लान बी मस्ट बी रेडी एनी टाइम, प्लान ए कैन कम टू एन एंड। अपने को एक ही चीज पर अड़े मतलब चिपके नहीं रहना है, अपने को अपना दूसरा प्लान भी तैयार रखना है साइमल्टेनियसली, क्योंकि पहला प्लान मे बी इट कैन कम टू एन एंड। बिल्कुल सही बोले आप। एनीवन और किसी को अनम्यूट कीजिए जी, हैंड रेज कर लीजिए जिनको भी शेयर करना है जी। सचिन जी यवतमाल से है, जो रोहित सर, डॉक्टर रोहित सर। हाँ रोहित जी बोलिए। हाँ सर, हाँ नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ अच्छा, ये जो अपना ये टॉपिक है डर के जीत, इसके बारे में थोड़ा सा बोल रहा है ना। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना, आपको क्या समझ में आया अभी तक? अपन ने बुक रीडिंग की है, अपन ने इतना इतने सारे पॉइंट्स बताए, इसमें से कुछ भी आप जो आपके समझ में आया आप आपके लाइफ में बता सकते हैं। हाँ तो जो डर है अपना इंसान के अंदर का डर,
तो वो आदमी की इफिशियंसी और इफेक्टिविटी कम कर देता। जब डर आदमी के अंदर रहता है तो आदमी अपना कोई भी काम पूरी शिद्दत के साथ उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता इसलिए डर और जीत के बीच में बस थोड़ा सा एक लाइन का फर्क रहता। यदि आदमी उस लाइन को पार कर लेता है तो आदमी के विजय श्री से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, जैसे कोई नाला रहता है उसमें कई बच्चे छलांग लगाते हैं, डरते हैं कि उस पार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जो 10 बार सोचता है वो बीच में गिर जाता है, जो बिल्कुल नहीं डरता बेझिझक होकर हिम्मत बांध कूद जाता तो उस पार निकल जाता। इसलिए अपने को जिंदगी में कहीं भी कोई बड़ा टास्क लेते हैं तो उसमें से अपने अंदर से डर निकालेंगे तभी अपने विजय मिलेगी। बिल्कुल सही बोले। और जो दूसरा प्लान वाला बात कर रहे हैं तो नेचुरल नियम है, जैसे नदी भी है उसके कई रास्ते होते हैं, पुराने जमाने में घर भी बनते थे तो एक आगे का रास्ता, आजकल तो जगह नहीं होती लोग नहीं बनाते, एक पीछे का रास्ता, किले में भी चोर रास्ता, तो जिंदगी में आदमी को कभी भी एक रास्ता बंद हो गया तो हार नहीं मानना चाहिए, तुरंत दूसरा रास्ता खोज लेना चाहिए। पहले से खोज लें तो भी ठीक, पहले से नहीं खोजा तब भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जैसे पांडव भी इतने लाक्षाग्रह से तभी निकल पाए जब उन्हें दूसरा रास्ता बनाया था, नहीं तो जल। धन्यवाद। अब डॉक्टर संगीता जी को अनम्यूट कीजिए, वो कुछ बोलना चाह रही है शायद। जी अनम्यूट करिए संगीता मैम। हेलो हाँ, आपको क्या समझ में है इसमें, आप क्रिएट क्यों शेयर कीजिए, शेयर कर सकते हैं। अभी तक अपन ने जो लिया है, अभी तक जो बताया है वो सब समझ में आ गया कि भाई एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और अपन डर गए तो बस पूरी जिंदगी खत्म हो गई। तो डर के आगे जीत है, किसी बात से डरना नहीं चाहिए, आगे आगे निकलते जाना चाहिए। संघर्ष की कितनी भी परिस्थितियां आ जाए संसार में जीवन में, एक एक जैसे अड़थड़े पार करते हैं, अड़थड़्याची शर्यत जशी असते, मराठीत सांगते, मराठी में बोल रही हूँ, जिसको अड़थड़्याची शर्यत बोलते हैं, तो एक एक चुनौतियां बोलते हैं, जो चुनौतियां अपन एक एक पार करते करते आगे निकलना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि पीछे क्या चुनौती थी मुझे, आगे 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 जाना चाहिए। तो यही संसार का नियम है, यही संसार का नियम है, इसी से आप आगे जा सकते हो और आप जीत सकते हो। फिर इसी का मतलब है डर के आगे जीत है। आप डरते रहते तो पीछे पीछे देखते थे कि भाई पीछे क्या है, पीछे क्या है, पीछे आपको देखना नहीं है, आगे 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 चलते जाना है आपको, तो आप जीत सकते हैं, अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। पंकज केजी कामड़े सर को अनम्यूट कीजिए। हेलो पंकज, आप हैं? जी सर, यस सर, यस बोलिए सर, कामड़े सर। या तो अभी डर के आगे जीत, मतलब जो हम लोग को कुछ भी अपन को पाना है, कुछ भी करना है, अगर उसको अगर हम लोग को अचीव करने के पहले पहले से हम लोगों ने हथियार डाल दे तो मैं इसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट में एक स्टोरी बता सकता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे तो कोलकाता में जब मतलब पश्चिम बंगाल में जब वो लोगों ने फर्स्ट टाइम आक्रमण किया अपने अपने एरिया पे, तो वो कुछ 500 या 1000 अंग्रेज लोग थे, और जब वो लोग ने फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बोला कि हम लोगों ने ये पहला सिरोजुद्दौला या कोई तो उसका नाम मैं भूल गया उसको मैंने जीत लिया है, तो कुछ 1000 अंग्रेजों को वो जीत का मतलब जश्न मना के बोला कि हम लोगों ने जीत लिया करके वो जा रहे थे, और उसके बाजू बाजू में इतने सारे लोग थे और खड़े थे और देख रहे थे कि भाई ये लोग ने जीत लिया है। अगर उसी जो लोग खड़े थे उन्होंने एक एक पत्थर लेके उनको मार दिया रहता ना, तो आज के तारीख में हम लोग आप इतने साल गुलाम नहीं रह सकते थे। तो वो टाइम हम लोग डर गए, और डर गए उसके बावजूद की वजह से आज हम लोग इतने साल गुलाम थे, और आपने तो बाकी का इतिहास हमको मालूम है। तो ये मैं समझा कि अगर हम लोग डर गए तो फिर आगे कुछ भी हासिल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा है। धन्यवाद पंकज, आगे की स्लाइड लीजिए। यस सर। अभी देखो, पुरानी वस्तुओं को छोड़ना कठिन होता है, जितने जल्दी आप पुरानी चीजों को छोड़ेंगे तभी आप नए चीजों को ढूंढ पाओगे, है ना। अभी देखो कि यहाँ ये बताया गया है कि
जब तक अपन पुरानी वस्तुएं या पुराने विचार या पुराने जैसे परंपरा उनको छोड़ना कठिन होता है, अपन उनको सहज रीत्या या सहज बदले जैसे सहज नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, वो कठिन होता है अपने लिए छोड़ना। पर इसके कॉन्ट्ररी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जितने जल्दी आप पुरानी चीजों को छोड़ेंगे तभी आप नए चीजों को ढूंढ पाओगे, है ना। पुराना जाएगा तभी नया आएगा जैसा बोला जाता है ना। तो आप इस वाक्य शेयरिंग अगर किसी को लाइफ से रिलेट करके अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। सचिन जी बोलिए, सचिन जी को अनम्यूट कीजिए। जी सचिन जी अनम्यूट करके। हाँ सर, थैंक यू। हाँ बोलिए। हाँ सर, इस स्लाइड से मुझे एकदम ये ध्यान में आया कि मेरे पिताजी सादा मोबाइल यूज करते थे पहले, और उनको बहुत बार बोला मैंने कि एंड्रॉइड मोबाइल में व्हाट्सएप रहता, फेसबुक रहता, सभी सुविधा रहते, नहीं मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे जमता नहीं हो। लेकिन मैंने क्या किया, फिर मेरा जो पुराना था एंड्रॉइड मोबाइल उनको बोला कि ये आप 8-10 दिन यूज करके देखो। उन्होंने लिया, पहले 1-2 दिन नहीं बोले, बाद में 8-10 दिन में वो पूरे उसमें ट्रेन हो गए, और बाद में उनको मैंने नया मोबाइल लेके दिया। अब बोल रहे भी इससे भी अच्छा चाहिए करके। ऐसा है, जब तक पुराना छोड़ते नहीं तब तक नया आता नहीं। इतने वो पुराने लोग है, कुछ छोड़ते नहीं सर ये पुराने जो भी ये चीजें है, लेकिन उन्होंने जो नए चीज को आत्मसम कर लिया, उसमें उसने खूबी है देखी, तब अपने उनको अच्छा लगता है सब वो। बिल्कुल हाँ, धन्यवाद। तो ऐसा बोला गया है कि जैसे अपने घर में भी जो चीजें 2 साल तक अपन ने यूज नहीं किए, चाहे कपड़े हो, चाहे बर्तन हो, या और भी कोई चीज जो अपन ने 2 साल तक यूज नहीं की है, वो पुरानी चीज को अपने को कहीं पर भी किसी को दे देना है या बेच देना है या बंगार वाले को दे देना है, कुछ भी कीजिए, पर पुरानी वस्तुओं को पकड़ कर बैठिए मत, है ना। ये बोला गया है जैसे कि जितना घर में, आपके घर में जितना पुराना पसारा रहेगा, यानी जो अपने यूज में नहीं आ रहा है, चाहे कपड़े हो चाहे कुछ भी हो, वो आप किसी को दे दीजिए, उसको मतलब आप किसी गरीब को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, तो आपको फिर नया कुछ सूचेगा। नहीं तो क्या है कि वो पुराने में ही आप गुरफटे, मतलब पुराने में ही आप गुते हुए रहेंगे, तो आपको नया नहीं कुछ सूचेगा। जैसा अभी आपके अलमारी में देखिए, आपके कपड़े के अलमारी में 70% कपड़े ऐसे हैं जो आपने 2 साल से पहने नहीं हैं। देखिए आप, आपके लाइफ में इसको आपके लाइफ से रिलेट कीजिए हर कोई, है ना। तो आपको जितने जल्दी आप पुरानी चीजों को छोड़ेंगे तभी आप नए चीजों को ढूंढ पाओगे। अपने लाइफ से रिलेट कीजिए इसको, सिर्फ कपड़े से ही नहीं, बाकी और भी कई चीजों में जो अपने डेली लाइफ में आती है, रिलेशनशिप हो गए, जो भी है, मतलब अपना जॉब हो गया, वही पुराना धंधा आप करें, वही पुराना धंधा कर रहे हैं, और एक दिन आता है कि वो पुराना धंधा जो है वो आउट ऑफ हो जाता है, है ना। जैसे कि अभी एक मोबाइल का अपन ले सकते हैं, जैसे नोकिया का मोबाइल जो था पहला, या अपना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले सकते हैं, या कलर टीवी ले सकते हैं स्क्रीन वाला, अभी तो नए आ गए एलईडी वगैरह वगैरह, जो अगर आप वो पुराना टीवी छोड़े तो ही आपको नया, जो नए वर्जन का टीवी है, बिल्कुल जो कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है और कम जगह में बैठता है, भीत पर ही बैठ जाता है, तो ये सब मिलेगा आपको, है ना। कोई भी चीज, और जो बदला नहीं वो खत्म हो गया। इसके हिस्ट्री में कई सारे उदाहरण है कि जो कंपनी या जो भी कोई बदला नहीं वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो बदल ये जो है, ये संसार का परिवर्तन, संसार का नियम है, ये अपने को इस किताब में बताया गया है। तो अभी जैसे हेम एंड हॉ जो है, इसमें तो हेम जरा उसी को सुन के बैठा, पर हॉ एकदम बाहर निकल गया, हॉ बाहर निकल गया और दूसरा रास्ता ढूंढने लग गया, आगे आगे उसको मिल गया, फिर उसको वो जहां पर वो चूहे गए थे वो स्टेशन उसको मिल गया, वहां पर वो फिर वहां से वहां पे उसने वो चीज मिल गया, उसने वो खाया भी, और वापस उसको लगा कि अब मैं हेम को भी बोलूंगा कि चल भाई वहां पर, फिर वो हेम के पास वापस आया, वो जाते जाते उसने क्या किया, वो रोड पर एक एक जो भूलभुलैया का रास्ता था उस पर दीवार पर वो एक एक चीज ये सब लिखते गया कि जैसे पुरानी वस्तुओं को छोड़ना कठिन होता है, और इसके पहले भी जो भी बताइए हर दीवार पर लिखते गया कि ताकि वो रास्ता भी ना भूले, और हेम अगर पीछे से आया तो वो ये पढ़ के आगे आगे चल सके। तो फिर हॉ वहां पर चला जाता है ना। फिर आपका चीज आपके लिए जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उतना ज्यादा आप उससे जकड़ जाते हैं। ये बहुत महत्व का वाक्य है। अब इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए, नवीन जी आप बता सकते हैं। हाँ हाँ सर, मैं धन्यवाद सर। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम लोग जो पुराने चीज लेके बैठ जाते हैं, मतलब
मैं भी पहले बहुत सारे पुराने चीज यूज कर रहा था और उसकी वजह से मेरा मतलब बहुत तकलीफ होती थी। और हमारा इंडियन मेंटालिटी में ऐसा है कि हम लोग पुराना जब तक वो रगड़ नहीं जाता उसको हम यूज करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि इसका पूरा हम यूज करके इसका कॉस्ट निकाल लेंगे, मगर उसके कॉस्ट की वजह से हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं ये कभी नहीं सोचते। तो उसकी वजह से हमारा नुकसान होता रहता है। जैसा कोई भी गाड़ी हो उसका हम रीयूज करते हैं और उसकी वजह से माइलेज कम हो जाता है, फिर भी हम लोग रिपेयर कराते हैं, उसी को यूज करते हैं और नया लेते नहीं है, डर के मारे कि लोन लेना पड़ेगा, लोन लिया तो कौन चुकाएगा, ये सोच के हम लेते नहीं है। और ऊपर से क्या होता है, उसके वजह से जो पेट्रोल का खर्चा होता रहता है उसमें जो माइलेज के कम होने की वजह से, तो उसके वजह से एक साल में हम जो उतना पेट्रोल खर्चा कर देते हैं जिससे नया गाड़ी भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये समझ में आया। तो और नया गाड़ी लेने की वजह से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे नया गाड़ी कुछ नया चीज भी लेके आते हैं, घर में कुछ नया चीज लेके आते हैं, हमारा जिंदगी में कुछ अच्छा होता है। बिल्कुल, तो ये सब फायदेमंद है हमारे लिए जो हम कभी नहीं करते। और हम जो घर में भी जो खरीदते हैं पुराने चीज, मतलब जो भी वेस्टेज चीज बहुत ज्यादा खरीदते हैं जो नहीं चाहिए रहता है, ये सब भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेरे को समझ में आया सर, थैंक यू थैंक यू। जैसे आपने अभी बताया कि पुरानी चीज अपने को छोड़ना पड़ेगा, जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए कि अपने पास पहले घर में बड़ा टीवी होता था, स्क्रीन वाला टीवी यानी लंबा चौड़ा जो ओनिडा का टीवी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती थी, बहुत ज्यादा लगती है। और अभी जो नए वर्जन के जो टीवी आए हैं जो अपन दीवार पर लगा सकते हैं उसको बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसकी एलईडी स्क्रीन होती है, उसको ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो ये तभी संभव है कि जब आपका चीज आपके लिए जितना मतलब महत्वपूर्ण रहता है, अपन उसको सोचते हैं यार ये तो अच्छा टीवी है, क्या हो गया इसको, कुछ भी नहीं हुआ है इसको, पर आपको बदलना पड़ेगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा और आपको अच्छा लगेगा। जब नई चीजें आती है, कोई भी नई चीज अपने पास आती है तो अपने को खुशी होती है। आप महसूस कीजिए कभी अपने लाइफ में भी, जब भी अपने को नई चीज मिलती है तो अपन एकदम आनंदित रहते हैं। आनंदित रहने से अपना जो केमिकल जो है अपने दिमाग का हार्मोन जो है जिसको अपन बोलते हैं डोपामिन, और जो यानी कि आनंद के जो हार्मोन्स है वो ज्यादा स्त्राव होते हैं, और अपनी तबीयत भी उसके उससे रिलेटेड ही ऐसे ही समझिए कि उससे अपनी तबीयत भी अच्छी रहती है, अपना हेल्थ भी अच्छा रहता है। जब अपन खुश रहते हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो इसीलिए पुरानी वस्तुओं को छोड़ना ही चाहिए, तभी अपने को नई वस्तुएं मिलेंगी। धन्यवाद नवीन जी, है ना। अब अगली स्लाइड लेते हैं पंकज जी। जितने जल्दी आप पुराने चीजों को छोड़ेंगे उतना जल्दी आप नए चीजों को ढूंढ पाएंगे, अपन ने क्रिएट कर लिया था अभी। हाँ, आगे चलिए फिर पंकज। हाँ, ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि आपका चीज आपके लिए जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उतना ज्यादा आप उसे जकड़ जाते हैं। जैसा आपका जॉब है कोई, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, है ना, आप उसमें इतना जकड़े हुए हैं कि आपको दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है, जब तक आप उसमें उसको ज्यादा महत्व देंगे तो आप उससे ज्यादा जुड़े रहेंगे तो आपको अगला रास्ता नहीं दिखेगा, दूसरा कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे अभी कोरोना के काल में अपन ने देखा है कि है ना, दुकान वगैरह सब बंद थे, तो जिन लोगों ने स्निफ एंड स्क्रीन जैसा दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, जिन लोगों ने ताबड़तोब दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, जैसा किसी का अगर जनरल स्टोर से है तो उसने उसी को जोड़ के किराना दुकान भी रख लिया, जरूरी चीजें जो है जिसके लिए जो कोरोना काल में भी बंद नहीं हुई थी उसको परवानगी थी, उसको परमिशन थी दुकान ओपन करने के लिए। तो कुछ कुछ लोगों ने जिनकी जनरल स्टोर्स थी उन्होंने साथ में ही किराना दुकान भी खोल लिया, किराने की चीजें जो रोजमर्रा की चीजें लगती है वो रखने लग गए और वो उससे उनका दुकान चलने लग गया। और जिन्होंने कुछ नहीं किया जो बैठे रहे उनका दुकान बंद हो गया, उनको बहुत तकलीफ हुई। और जो लोगों ने ये सोचा कि डेली नीड्स की जो चीजें हैं हम उसको इसमें जोड़ लेते हैं तो उनकी दुकान भी चालू रही और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई इस कोरोना काल में, है ना। तो ये ऐसा है। अभी इसमें से किसी को क्या समझ में आया तो आप शेयर कर सकते हैं, किसी को अनम्यूट कीजिए अगर किसी का हैंड रेज है तो। पंकज, किसी को शेयर करना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं जी। अखिलेश जी, सचिन जी, गौरी मैम, मनीषा वारे जी, आप बोलिए।
मनीषा वारे जी को करिए अनम्यूट। है उनको कर सकते हैं। यस सर। रेडी नहीं होंगे तो या ओके मैं शेयर करता हूँ सर। इसे मैं ये सब कि जहां तक हमारी मेंटेलिटी कैसी है कि ओल्ड इज गोल्ड। ओके तो ओल्ड इज गोल्ड होने की वजह से कैसा हो रहा है कि हम लोग ना मिस इंटरप्रिट करते हैं बहुत सारे चीजों में। तो अपना ऐसा है कि एक इसके लिए दो चीज मैं बता सकता हूं कि एक है कि जो लोग बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से वो लोग सोचते हैं कि आपको एक चीज अगर आपने ली कुछ भी चीज है उसको आप सही तरह से रखोगे और उसको अच्छी तरह से संभालोगे तो आप ज्यादा दिन उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेंटेलिटी के लोग होते हैं जो चीजें अच्छे संभालने में उनका ज्यादा प्रभाव रहता है। जैसे कि मुझे याद है मेरे अंकल वगैरह जब बात करते थे बोलते देखो ये मेरा शर्ट है ये 10 साल पुराना है और ये तभी उन लोगों को ये चीज बताने में मजा आता था। देखो ये मेरा बेड है साग का बेड है 25 साल पुराना है ये मेरा शीशम का अमकम का अलमारी है वो मेरे परदादों से लेके आ रहा है। तो पहला लोगों को मजबूत टिकाऊ ऐसा रखने का मतलब वो लोग वैसा रखने में उनको बड़ापन महसूस होता हुआ करता था। तो उसके ड्रॉबैक्स शायद हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास अगर बहुत ही मजबूत टिकाऊ अगर चीज है तो वो खराब होने वाला नहीं है और उससे मुझे वो जो मिलना है वो मिल रहा है अभी तक और उससे मुझे अभी कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ अभी इससे ये बात जरूरी है कि इससे मेरे पास नयापन नहीं आएगा मेरे पास नई चीज नहीं आ सकती बिकॉज वो ठीक है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि अगर मेरे पास ये पुरानी चीज है और मुझे निकाल लो तो मुझे उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं किसको निकालूं तो लोग इसी में फंस जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो जैसे अभी मेरी वाइफ बोलती है अरे रद्दी बहुत होगी तो भी आप नहीं निकाल रहे हो ठीक है ना। तो हम लोग रद्दी निकालने भी आप उनको तो अच्छा डिफिकल्टी है तो हम लोग को कंपेरिजन नहीं आता है। तो हम लोग को वही इंटरप्रिट करना है कि आप जैसे आपने शुरुआत से ही बात किया कि जो चीज हम लोग ज्यादा दिन से नहीं यूज कर रहे हैं तो उसको आप डिसीजन ले लो कि क्या ये मेरी जिंदगी में जरूरत है। अगर ये है तो आप उसको संभालो वो चाहे कितनी भी पुरानी हो सकती है लेकिन अगर वो नहीं है तो उस पर एक्शन ले लो और उसके उसका कुछ तो आप उसको डिसीजन निकाल के निकाल सकते हो। ये थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू प्रवीण जी। आज मैं फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ बोल रही हूँ। ये तो मैं बहुत सारे टाइम मैं ये देखती हूँ ये सेशन। मुझे ये चीज बतानी थी कि जैसे आपने कहा कि अपना चीज क्या है तो मेरा चीज तो था ऑफकोर्स नौकरी मेरी जॉब और 16 साल से मैं एक आईटी ट्रेनिंग कंपनी में काम कर रही थी। आई वॉज लिविंग लाइक अ क्वीन इन दैट टाइम एंड 3 साल से मेरे को पता चल रहा था कि ये सैलरीज की कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कुछ हो रहा है तो फिर भी एक ठहराव सा आ गया था भाई कल होगा परसों होगा नरसों होगा कभी तो ये परिस्थिति सुधरेगी कुछ तो हो जाएगा उसका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ धीरे धीरे सब ये बिगड़ कि मैंने दूसरा कुछ करना चाहिए और मैं वो जॉब के लिए एकदम जकड़ गई थी। आई वॉज टोटली इन लव विद दैट प्रोफाइल एंड विथ सैलरी एंड विथ एवरीथिंग। तो उसमें से बाहर पड़ना थोड़ा मुश्किल था लेकिन फिर भी 3 साल से अगर सैलरी नहीं मिलती है तो क्या बीतती है ये मैंने पूरा जान लिया है एक्सपीरियंस किया है। तो उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि आई विल कम विथ सम न्यू थिंग्स एंड आई हैव स्टार्टेड माय ओन फूड सेटअप एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो आई एम नाउ एंटरप्रेन्योर एंड आई हैव लेफ्ट दैट जॉब फाइनली ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक। सो नाउ आई एम हैप्पी कि मैंने वो छोड़ दिया है। अभी कुछ ना कुछ नए की उम्मीद है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने पुराना छोड़ा तभी आपको कुछ नया मिला, यानी एक डोर क्लोज हो गया तो आपका दूसरा डोर ओपन हो गया और आपने उस ओपन डोर की तरफ गए, आप उस बंद डोर के पीछे नहीं गए कि मतलब अरे कैसा होगा क्या होगा ये तो दरवाजा बंद हो गया, पर आपने वो नहीं किया और आपने दूसरा डोर जो है ओपन डोर आप उसमें चले गए तो आपको सक्सेस मिला, यानी आपको दूसरा रास्ता दिख गया, है ना, यही हुआ ना। तो यही इसी सेंटेंस का यही मतलब, आपने बहुत अच्छे से ये किया, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बोलिए मनीष तिवारी जी। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी चीजें हैं वो छोड़ देना चाहिए, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरेशन गैप बोलते हैं वो भी मिट सकता है, वो भी एक एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। और सेकंड थिंग कि जैसे पहले हम जेब में पैसे रखते थे लेकिन अभी फोन पे है गूगल पे है, लेकिन लोग उसे डरते हैं, लेकिन वो जो है वो नया थिंग नई थिंग है, वो अपन ने एक्चुअल एक्सेप्ट करने चाहिए। ऐसा ये नया वाला एग्जांपल अपन इसमें डाल सकते हैं कि हाँ जो पुरानी चीजें है वो छोड़ो और नई जो भी कुछ नया है उसे एक्सेप्ट करो, बस। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। अगली स्लाइड लीजिए पंकज। हाँ आगे, हाँ नहीं अगले आगे ना। हाँ पुराने विश्वास आपको नई चीजों की तरफ नहीं ले जा सकते, पुराने विश्वास आपको नई चीज की तरफ नहीं ले जा सकते, अपने को क्या है चेंज करना पड़ेगा। फाइनेंशियली भी अपने को अपनी आय बढ़ाने के लिए नए सुर ढूंढना पड़ेगा, पर लोग क्या है, लोग सोचते अरे इसमें गए तो ये सक्सेस होंगे क्या, अरे वो करेंगे तो सक्सेस होंगे क्या, तो ऐसा अपने को पहले से ही सोचना नहीं है। वो पुराना विश्वास है कि अरे वो तो शेयर मार्केट में डूब गया वो हो गया, अरे भाई पर वो क्यों डूबा, क्यों नहीं वो उसमें सक्सेस हो पाया, ये भी तो अपने को ढूंढना पड़ेगा ना। पर अपने अपने मन का अपन ग्रह बना लेते, नहीं वो शेयर मार्केट से दूर डेंजर चीज है, उसका नॉलेज है, जिसको उसका नॉलेज है वो उसमें कमाएगा। और अभी जैसे अभी अपने केलकर साहब ने, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी क्रिएट किया था पिछली बार कि हम क्रिप्टो की तरफ एक नया चेंज है, अभी के जमाने में क्रिप्टो करके एक नया कंसेप्ट आया है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट का, जिसमें एक रुपए का 50 लाख रुपया हो गया था, जो 2009 में एक रुपया था बिटकॉइन वो अभी 50 लाख रुपए का हो गया था। तो अपने को भी ये ऐसे नए नए कुछ ना कुछ प्रयोग अपने को भी करते रहना पड़ेगा, तभी अपना भी इनकम सोर्स जो है वो आगे बढ़ेगा, है ना, ठीक है ना। तो ये अपन ने सब देखा है, और आगे अपन ने ये भी देखा था, अगली स्लाइड बताइए पंकज। बस अपन अभी एंड करेंगे, अपना टाइम भी होते आया, अभी 5 मिनट अपन सिर्फ बोलेंगे बस, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अभी भी शेयर कर सकते हैं, अभी टाइम है अपने पास 5 मिनट। तो अपन ने देखा कि वो जो चीज था ना, जो चीज था वो अचानक गायब नहीं हुआ, वो रोज धीरे 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 कम हो रहा था, पर पहले किसी ने नहीं देखा है, मैं उन्होंने नहीं देखा ना, वो चूहों ने देखा, वो अचानक गायब नहीं हुआ था, वो चीज जो है धीरे 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 खत्म हुआ था। यानी कोई भी चीज अपने लाइफ से भी रिलेट करे तो कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसके कुछ तो भी सिम्टम्स अपने को पहले दिखते हैं, पर अपन उसको देखते नहीं है, उसको उसकी तरफ नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी चीज अचानक नहीं होती, यही अपने को ये इस कहानी के माध्यम से यहां तक अपन पहुंचे थे अभी, है ना, कि चीज जो है वो धीरे धीरे कम हुआ था, धीरे धीरे कम हुआ था, वो अचानक गायब नहीं हुआ, पर किसी ने देखा नहीं, है ना। और वेन यू बिलीव योर सेल्फ एंड, हाँ अगली स्लाइड लीजिए आप पंकज। तो उस टाइम अपन सोचते हैं जैसा हेम एंड हॉ जो थे वो वहीं सोचते रहे, अरे ऐसा हो गया, पर हॉ ने ये नहीं सोचा, हॉ ने सोचा जब उसने वो चीज दूसरा चीज स्टेशन ढूंढ लिया, तो उसने सोचा कि अरे यार मैंने पहले क्यों नहीं देखा, ये अगर मैं पहले ही निकल जाता था, पहले ही दिन वहां से जब खत्म हो गया चीज और मैं हेम की नहीं सुनता था और वहीं 4 दिन मैंने गंवाए कि अरे ये चीज आएगा, अगर मैं पहले ही निकल जाता तो मुझे ये चीज मिल जाता था। यानी उसने ये सोचा कि मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, ऐसा वो सोचा और उसने वो ऐसा उस दीवार पर लिख दिया और वो वापस हेम की तरफ आया। और बाद में अगली स्लाइड लीजिए पंकज। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते, अगर आप डरते नहीं थे तो आप क्या करते थे, तो आप
दूसरा रास्ता ढूंढते थे। आप अगर वो अगर वही जैसे हेम डर के रह गया कि अरे क्या मालूम मैं पता नहीं मैं दूसरी तरफ जाऊंगा तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं क्या होगा ऐसे सोचते सोचने में वो टाइम पास कर रहा था हेम जो है, और हाँ तो निकल गया था, हाँ दूसरा चीज स्टेशन ढूंढने के लिए निकल गया था, पर हेम वही सोचते रहा कि अरे मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, मुझे दूसरा चीज स्टेशन मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मैं यहां से चला जाऊंगा तो यहां तो भी कम से कम मेरे को आशा है कि आएगा, ऐसे कुछ भी सोचते रहा वो, और वो डरते रहा। तो वो अगर आप डरते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पर अगर आप नहीं डरते और आप दूसरा रास्ता ढूंढते हैं बिना डर के कि नहीं चलो जो होगा देखा जाएगा, तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। ये इससे क्रिएट हुआ है ना। और कोई शेयर करना चाहता है तो अनम्यूट कीजिए, संगीता जी को अनम्यूट कीजिए। मुझे ये पूछना है लाइक जैसे आपने बोला कि हमको दूसरा दरवाजा ढूंढना चाहिए। हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। दूसरा दरवाजा अपने को दरवाजा ढूंढना चाहिए, तो मैं ये बोलती है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती, आकर चली गई तो अब हम क्या करें। लाइक मेरे इस मेरे केस में जैसा है कि मुझे जॉब में मैं पहले अपॉर्चुनिटी आकर गई, अब इतना स्टैग्नेंट हो गए इतने दिन से उसी जॉब में है तो अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो कैसे कर सकते हैं हम उस चीज को, कैसे छोड़े अपना ये स्टेशन को। हाँ, आपकी बात को मैं समझ गया, पर वो पास्ट में हो चुका है ना, पास्ट इज पास्ट। Yes. उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, अरे मेरी अपॉर्चुनिटी आई थी, अरे मैंने नहीं किया, वो करती रही तो अच्छी रहती, ये जैसे हेम जैसे कर रहा था वैसी बात हो गई है ना। तो अपने को पास्ट इज पास्ट, पास्ट पर अपने को ज्यादा विचार नहीं करना है, पास्ट इज पास्ट हो गया, अभी आगे क्या करना है अपने को, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है, अपन क्या कर सकते हैं आगे, इस पर आपको सोचना है आगे। वही बोली ना मैंने कि अभी इतना स्टैग्नेंट हो गए ना एक ही जॉब में एक ही फील्ड में एक ही क्या बोलते जो सब्जेक्ट है उसमें, अब जो बाहर चल रहा है इसके अलावा और कोई नहीं कर रहा है वो वाला, ओनली हमारी कंपनी कर रही है और दूसरे जगह नहीं, तो फिर वो डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ से वहां मूव होने में। नहीं आपको है ना रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, आपका रास्ता आपको ही ढूंढना पड़ेगा, है ना। होगी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज होगी, ये आपके दिमाग में आपने बना लिया, आपका माइंडसेट बना लिया कि अरे ये इस कंपनी जैसा काम कहीं और दूसरी तरफ नहीं होगा, होगा ना, इतना बड़ा इंडिया है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही, आपके कंपनी से भी अच्छा हो सकता है, पर अपन ने ये माइंडसेट बना लिया कि नहीं नहीं हमारी कंपनी का ही अच्छा है, ये काम हमारी कंपनी में होता है दूसरी तरफ नहीं होता है, ये आपने आपका माइंडसेट बना लिया है, ये आपके दिमाग की उपज है, मैं ये बोलना चाहूंगा, है ना। मुझे इतना समझ में आ रहा है, मतलब मुझे ये समझ में आया जो मैंने आपको बता दिया है अभी, है ना। धन्यवाद। आगे की स्लाइड लीजिए पंकज। जब आप यह बदलते हो कि आप क्या सोचते हो तो फिर यह भी बदलता है कि आप क्या करते हो। When you believe yourself and no one believes on you, then everything is possible. संगीता जी देखिए ये महत्व का बहुत बढ़िया सेंटेंस है ये कि when you believe yourself and no one believes on you, then everything is possible. जब आप यह बदलते हो कि आप क्या सोचते हो तो फिर यह भी बदलता है कि आप क्या करते हो। आपका उस डायरेक्शन से आप आगे आगे चल सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक रास्ता मिलेगा। यही बात यहाँ पर क्लियर हो गई है ना। अभी अपना टाइम भी होता है 9:10 हो गए हैं, अभी अगर किसी को शेयर करना है तो 1-2 मिनट शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अपन अभी यहाँ पर क्लोज करते हैं। यहाँ तक अपनी स्लाइड अपन ने पूरा रिकैप कर लिया, अभी तक जो जो हुआ वो अपन ने पूरा रिकैप कर लिया, 37 स्लाइड यहाँ तक अपन ने रिकैप कर ली है। अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो बोलिए, 1-2 मिनट अपने पास में है, नहीं तो फिर अपन क्लोज करते हैं अभी। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, आपने बहुत अच्छे से शेयरिंग भी किया सभी पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने किया, और मैं समझता हूं कि यहां तक का अपना रिकैप जो है सभी को ध्यान में आ गया होगा कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए सतीश जी। हेलो सतीश जी, बात कीजिए। आवाज आ रहा सर? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। आज बहुत बढ़िया आपने क्लास लिया सर, धन्यवाद। अच्छा है कि उसके लिए क्या मेरे पास शब्द नहीं, बहुत बढ़िया। अनिल केडकर सर नहीं तो भी आपने बहुत बहुत बढ़िया लिया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना और बहुत अच्छे से मुझे बड़ी सरलता से समझाया हम लोगों को।
धन्यवाद धन्यवाद समझाया और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 सर। मैं मुझे एक शेयर करना है, मैंने एक विश किया था कि आप जल्दी से जल्दी लीड करोगे और वो मेरी विश कंप्लीट हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझसे बोला था और वो बात सामने आ गई। मैंने देखो आपका विचार हो गया, आपने समान को समान समान को समान जो आकर्षित करता है, अपन सुबह के क्लास में जो बोलते हैं समान ही समान को आकर्षित करता है, तो देखो आपने वो सोचा और वो आकर्षित कर लिया आपने। धन्यवाद और मस्त सेशन हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही आप लीड करते रहो और हमें नए नई चीज सुनाते रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद जी धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है तो एक दो मिनट है अपने पास में, अपन बोल सकते हैं। सर करत असते प्रत्येक वेळेला सेशन तुमचं स्ट्रिक्स इंडियाचं मला पण खूप आवडते, फक्त आजचं सेशन करायला मला जॉईन करायला जरा लेट झालं त्यामुळे माझं गेलं सगळं डोक्यावरून, पण मी शेवटी शेवटी केलं बऱ्यापैकी कळलं मला। चालेल कॅपच होता येस सर उद्या जॉईन। ठीक आहे धन्यवाद। क्रिप्टो करन्सी का क्या? ठीक आहे धन्यवाद। हॅलो सर। हाँ क्रिप्टो के बारे में जो है ना सुनीता जी, क्रिप्टो के बारे में भी अपन कर रहे हैं प्लानिंग और उसके बारे में भी अपन आगे अभी करने वाले, अगले सेशन में अपन करने वाले हैं। हाँ बोला नितिन जी। हाँ प्रवीण सर सेशन आप बोला है। नितिन जी अनम्यूट। हाँ क्रिप्टो के बारे में आधा घंटे का सेशन पक्का रखना सर। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे, अभी हम उस पर थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं अभी कि वो कैसा है, थोड़ा सा रिस्क और रिवॉर्ड का वहां पर विषय आता है थोड़ा सा, कि जैसा हम स्टार्टिंग को सर ने भी बोला, केलकर सर ने भी और मैं भी बोल रहा हूँ कि उसमें आपको आप अगर आपके पैसे जितने गुम गए और आपको गम नहीं होगा उतने ही पैसे उसमें अभी इनिशियल स्टेज पर अपने को डालना है। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। हाँ तो वो क्रिप्टो का भी करेंगे अपन आगे, पर हम पहले यही बताना चाह रहे हैं सभी लोगों को, सभी पार्टिसिपेंट को जो इंटरेस्टेड है कि वो थोड़ा रिस्की भी होता है, उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है और अभी जो है क्रिप्टो के जो रेट्स अभी वो एकदम डाउन में है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है अभी अभी अच्छे नीचे में आ गए है रेट्स। हाँ तो अभी भी अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगला सेशन अपन लेंगे उसके लिए आधा एक घंटे का सेशन लेंगे सर के साथ में। अभी और कौन बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, अनम्यूट किया है मैंने सबको। हेलो सर। हाँ बोला नितिन जी बोला। आपका सेशन आज ने बहुत अच्छा हैंडल किया है सर, एक नंबर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हेलो सर सर वर्मा जी, मैं वाशिम में रहता हूँ। हाँ बोलिए, आपसे मिलना चाहता हूँ एक बार। प्रोफेसर कौन मित्र ठीक है सर। थैंक यू सर, एक बार मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद धन्यवाद। परसों के दिन मैं वाशिम में आया था, मेरे को मालूम नहीं आप वाशिम में रहते करके। अरे चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ और कौन बोलना चाह रहा था, बोलिए कौन बोल रहा था। बहुत अच्छा लीड किया सर, लेकिन आपने बहुत अच्छा लीड किया। मैं शांति बोल रही हूँ सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं जब मैजिक प्रोग्राम करती थी, आप जब बीच बीच में बताते थे सब आंसर, तो तभी मैं एक दिन बोली कि सृष्टि को कि एक दिन प्रवीण सर अच्छा लीड करेंगे और वो अच्छे लीडर बन जाएंगे। धन्यवाद आप। यस सर, तो आपने आज बहुत अच्छा सेशन लीड किया सर, बहुत अच्छा पावरफुल सेशन था, हम सब सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा सर। आप पावरफुल लीडर हो गए, कांग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद 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 जी सभी का। अभी हम क्लोज करते हैं, टाइम भी हो गया है। धन्यवाद सर, गुड नाइट। थैंक यू पंकज जी, क्लोज गुड नाइट धन्यवाद।